हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन की गेट प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गेट 2018 केमिकल इंजीनियरिंग पेपर के एक और क्वेश्चन की। एंड फ्रेंड्स, 2 मार्क्स में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केवल हमें मैच करना है इसमें कि किस चीज़ का संबंध किससे हमें मैच करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल शिफ्टर है, बाउल मिल है, ग्रेविटी थिकनर है, टू आर्म निर्डर। तो हमें मालूम है सबसे ज़्यादा ईजी कि बाउल मिल का संबंध हमारा किससे, ग्राइंडिंग से। तो क्यू का डायरेक्टली रिलेशन हमारा आता है ग्राइंडिंग से, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ ग्रेविटी थिकनर यानी कि ग्रेविटी के थ्रू थिकनिंग की जा रही है, तो ये हम किस में देखते हैं, सेडिमेंटेशन में देखते हैं। तो आर का जो है हमारा रिलेशन आ जाएगा सेकंड से आ जाएगा। देन सेंट्रीफ्यूगल शिफ्टर, सेंट्रीफ्यूगल के थ्रू क्या हो जा रहा है, शिफ्टिंग की जा रही है यानी कि सेपरेशन किया जा रहा है। तो सेपरेशन का संबंध किससे है हमारा, स्क्रीनिंग से है। स्क्रीन में क्या होता है, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू देयर साइज हम अलग अलग करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल शिफ्टर का संबंध किससे हो जाएगा, स्क्रीनिंग से हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है क्वाम नीडर, उसका संबंध किससे हो जाएगा, मिक्सिंग से हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है हमारा जो पी है उसका संबंध हमारा 3 से है, क्यू है उसका संबंध 4 से है, आर का 2 से है एंड एस का 1 से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ये सही निकल के आता है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, एंड केवल इसमें हमें ये रिलेशन बताना था कि किसका संबंध हमारा किससे है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पर हम केमिकल इंजीनियरिंग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को अपलोड करते रहेंगे, चाहे वो लास्ट ईयर का हो या उससे पहले का हो। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी भरते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और लास्ट ईयर गेट के एक नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।